सुरेश चंद्रा जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। सर सर कहाँ पर हैं आप इस समय? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में बहन जी की रैली में पहुंचे हुए थे? हाँ, रैली में शामिल हुआ हूँ। क्या विशेष रहा इस रैली में? बहन जी ने और रैलियों से अलग क्या कहा, उसके बारे में आप हमें बताएं। माननीय बहन जी ने समाज को चेताया है जी, जो लोग झूठ बोल करके राजनीति कर रहे हैं जी, देश को बर्बादी के कगार पर ला दिया है जी, उनसे सावधान रहना है जी। और पहले चाय वाला करके जुमलेबाजी की गई जी, आज चौकीदार का मामला है तो उससे भी सावधान रहना है जी। और ये जो हमारे कैंडिडेट हैं जी, इनको बिना किसी से डरे हुए अपने मत का सदुपयोग करें जी। हमारे जितने भी ये उम्मीदवार हैं जी, हाथी वाले खाने का बटन दबा करके जी, सभी उम्मीदवारों को जो विधानसभा के लिए लड़ रहे हैं वो जी, और जो लोकसभा के लिए लड़ रहे हैं वो जी, उन सभी को आप जिता करके भेजें जी। वोट हमारी ज्यादा है जी, इसलिए वो लोग कैसे जीत जाते हैं इस बात की बारीकी से उन्होंने सावधान भी किया जी, कि रोजगार आपके खत्म हो गए जी, सरकार के क्षेत्र की नौकरियां भी आपकी खत्म हो गई जी, भुखमरी के कगार पर समाज को पहुंचा दिया जी, अभी और कितना इनको परखना चाहोगे? ठीक बात है। कितना इनको विश्वास करोगे जी, कितनी बार इनको अजमाओगे? माननीय बहन जी ने कई बार ये चीज दोहराई जी, और इस तरह करके समाज ने भी आश्वस्त किया हाथ उठा करके जी, और नारे के साथ कि बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं जी। और जो उधर क्षेत्रीय आधार के जो नेता थे जी, स्तरीय जी, उन्होंने भी, और जो उम्मीदवार थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के विधायक हैं जी, वो विधायक अपनी पार्टी को छोड़ करके जी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं आज। अच्छा, बहुत बढ़िया। और एक पूर्व सांसद हैं जी, मुरलीधर बात करके जी, वो भी अपने दल को छोड़ करके जी बसपा में शामिल हुए हैं, और उन्होंने भी समाज से अनुरोध किया है जी कि अब तक काफी हम लोग धोखे में रहे हैं जी, अब धोखा नहीं खाना है जी। यद्यपि बायलिंगुअल अधिकतर लोग बोले जी, हिंदी और उड़िया को मिक्स करके जी, ताकि सब लोग समझ लें। अच्छा, इतना ये विशेषता रही है जी, नहीं तो मैं पहले भी आता रहा हूँ इधर जी। और बिल्कुल माननीय बहन जी ने जो जगह जगह पर जी गठबंधन बात कही है जी, उसका पूरा लाभ उठाने की बात जनता से कही है जी। गुमराह न हो जनता, उसको अपने व्याख्यान में जी विशेष स्थान दिया है जी, बारीकी से समझाया माननीय बहन जी ने जी, और लोगों ने बार बार नारे लगा करके जी माननीय बहन जी का मनोबल बढ़ाया। इस तरह का रैली रहा है, और चूंकि पहला लोकसभा चुनाव के बावजूद जी सर, देश में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पहला कार्यक्रम जी पुरी के पास में ही है भुवनेश्वर। अच्छा, तो पूरा से लेकर के शुरू हुआ है जी, और माननीय बहन जी पूरे देश में घूम घूम करके लोगों को समझा करके जी, अब की बार पूर्णतः केंद्र की सत्ता में पीएम पद तक पहुंचने की पूरी पूरी जी आशा है,
और कार्यकर्ता पदाधिकारी जी और लगभग 20-25 हजार से ज्यादा लोग थे जी रैली में। वाकदा सामियाना लगा करके ऐसा हुआ है जी। बड़ा खतरा से व्यवस्था थी जी। तो उनको सबको यहीं से जी शुरुआत की माननीय बहन जी ने जी। तो पूरब से सूरज निकलता है जी, तो बसपा का भी केंद्र की तरफ को चलना शुरू है जी, इस तरह का रहा। बहुत बढ़िया, आप जनता के बीच में रहे तो लोगों का रुझान किस तरीके से रहा बहन जी को लेकर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर आदिवासी लोग भी थे। अच्छा, आदिवासी बहन बेटियां भी थी जी। और देखिएगा क्यों न मान्य बहन जी और क्यों न हम और आप लोग सब लोग मिलकर के संघर्ष करें जी। ये बोलता हूँ कि भाई इस देश का गरीब और गरीबी जी रेलवे स्टेशन पर दोने को चार्ज करके पेट भरने का प्रयास करता है जी। ठीक उसी पर आज सुबह हमने देखा कि जो नारी को काट करके बेच रहा था जी और वो काट करके उसको फेंक देता उसमें जी, तो उसी डस्टबिन में से उठा करके नारियल को जी उन्हें काट करके चम्मच नुमा उसी की बना करके उस डस्टबिन में से उठा कर दिया। ओके, उसमें जो मलाई होती है जी उसको खाने का प्रयास कर रहा था। ये तो बहुत शर्मनाक है देश के लिए, सच बात ये है। तो इस तरह जब हम देखें, मेरा व्यक्तिगत भी वो है जी कि इस देश में बहुजन समाज को भुखमरी के कगार पर अगर पहुंचाने का काम किया है जी तो इस बीजेपी और कांग्रेस की सरकार ने किया है जी। इसलिए इन सबसे निजात पाने के लिए जी जो यहीं पर पटनायक सरकार है उसको भी माननीय बहन जी ने अपने अल्फाजों में चैलेंज किया है जी। तो इस तरह से प्रोग्राम बेहतर तरीके का संपन्न हुआ और पब्लिक में जब हमने बातचीत की है जी तो उन्होंने माननीय बहन जी का मनोबल बढ़ाने के लिए जी हम लोगों से भी कहा है जी, तो हम लोग लगे हैं। बहुत बढ़िया, हमारे चैनल से आपने बात की, हमारे चैनल को हमारे देश के सभी नागरिकों को आपने हमारे फोन पे इन्फॉर्मेशन दी कि बहन जी ने क्या कहा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि बसपा अध्यक्ष मंगलवार को सुबह लखनऊ से चार्टर्ड प्लेन में से उड़ीसा के लिए रवाना हुई और पहली जनसभा भुवनेश्वर में की। उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ राज्य विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है, बसपा वहां अकेले चुनाव लड़ रही है। मायावती वहां से आंध्र प्रदेश से चली जाएंगी और रात्रि विश्राम विशाखापट्टनम में करेंगी। 3 अप्रैल को विजयवाड़ा में पहुंचेंगी और चुनावी जनसभा के बाद रात्रि निवासी तिरुपति में करेंगी और 4 अप्रैल को तिरुपति व हैदराबाद से जनसभा करेंगी। बसपा वहां जनसेना पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है, हैदराबाद में जनसभा करके नागपुर के लिए रवाना हो जाएंगी और 5 अप्रैल को नागपुर से चुनावी सभा करके शाम को लखनऊ पहुंचेंगी। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।